जुआर नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर संबलपुर जयश्री हत्याकांड घटना कोर्ट को निर्देश के नहीं मानबार पुलिस 15 दिन परे भी देई नहीं पाले रिपोर्ट जुलाई 18 ने झिया विजयनी करथिले पिटीशन दायर चाउल मुठेक लगे 25 किलोमीटर चले 70 वर्षीय बुढ़ी नुआपड़ा सदर ब्लॉक मोटा नुआपड़ा कुकरीमुंडी गाँव आसला चित्र चाउल नहीं मिलवार लगे जिलापाल को देखा करवाके आसीथिले वृद्धा चार ओडिया ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी को पुरस्कार देले मुख्यमंत्री वीरेन्द्र लाक्रा अमृत रोहिदास को 2.5 लाख संगे डीएसपी चाकरी दिग्रेस एका नमिता टप्प को 50 लाख टंका पुरस्कार काल नु मेट्रिक खाता देखा सियाड़े दुईटा टर्म ने हेबा शिक्षा बरस जुलाई नु नवेम्बर पहला आ डिसेम्बर नु एप्रिल तक द्वितीय टर्म महामारी बढ़ले घरे परीक्षा देवे छात्र छात्री जगा दर्शन लगी नुआ एसओपी परिचय पत्र देखना श्रीमंदिर जीवे पूरीवासी 12 और 13 तारीख सेवायत परिवार आर 16 रु 20 पूरीवासी करबे महाप्रभु दर्शन सकाल 7 नु रात 7 तक दर्शन व्यवस्था 23 नु करी पारबे दर्शन राज्य ने फेर 65 जीवन नेला महामारी खोर्धा नु 70 नु एतका 20 मरण सियाड़े 24 घंटा ने 1078 नुआ पॉजिटिव खोर्धा नु 372 और कटक नु 146 नुआ केस आयमा पूरा खबर के कोर्ट कर आदेश के नहीं मानबार पुलिस संबलपुर रे चर्चा ने थिबा जयश्री मिश्र हत्याकांड घटना के नहीं किना एसडीजीएम कोर्ट टाउन थाना पुलिस के 15 दिन भितर रिपोर्ट देवा लगी आदेश दे थिले जुलाई 18 तारीख जयश्री मिश्रकर झी विजयनी मिश्र छानबीन ने डेरी हेबा नहीं किना एसडीजीएम कोर्ट ने पिटीशन दायर करथिले इटार संगे मानवाधिकार कमिशन को भिल भेटी थिले इटार सुनानी करिकिना अदालत गला जुलाई 21 तारीख ने 15 दिन भितर मामलार छानबीन रिपोर्ट देवार लगी निर्देश देते हेले एसडीजीएम कोर्ट को निर्देश पर भी संबलपुर पुलिस केनसी रिपोर्ट नाई देवार लगी अभियोग हिचे एसडीजीएम कोर्ट को जिते गुहार लगी अलग कल्प्रिट्स मान को धर जाऊ कहीं मुक्त आकाश में बुलूं मोर विटनेस मैंने भयभीत रही मोर एकुटिया भाई से भी विपद अच्छे तो मुझे एमती कर गुड़ा जिन लिखी दे ऑनरेबल एसडीजीएम कोर्ट आईओ आने एसपी को देखे 15 दिन भितर तार रिपोर्ट दाखल कर बोली मात्र मुझे एज ए कम्प्लेनेंट तो यह जानी जो अलग कल्प्रेट मान को धरा है ना तो मुझे कह बोधे यही केस रे पुलिस को किसी मेडल मिल न पारे कि रिकग्निशन न मिल पारे से केस को 10 वर्ष आगे जमी शोपड़े फाइल भी से फाइल को खोलिया चाहूना इंटरेस्ट आई केस नुआपड़ा खड़ियाल ब्लॉक ढुआजर रो अपना होटेल मालिक नानी बासंती मेयर हत्या घटनार पर्दाफाश करिचे पुलिस परिवार रो झमेला के नहीं किना हेइथिला ई हत्याकांड इथिरे तांकर ज्वाई आर तांकर बड़ भाई संगे दुई जन शार्प सुटर सामिल थिबार एसपी प्रत्युष दिवाकर सूचना दैछन किछि दिन तले बासंती मेयर के हत्या करबा नहीं किना तांकर ज्वाई आर तांकर बड़ भाई योजना करथिले बुल्ला अंचल नु दुई जन शार्प सुटर संगे 6 लाख टंकार बासंती कर हत्या लागि चुक्ति हेइथिला 2 लाख टंका आगनु दे दैथिले सेमाने हत्या परे बाकी 4 लाख टंका देबाके डील हेइथिला गला जुलाई 31 रात ने जुजना हिसाबे दुई सुटर बाइक रे आसिकना देसी बंदूक रे ढाबा सामनाने मालिकानी के गुली करिकना फेरार हेइथिले खड़ियाल उपस्वास्थ्य केन्द्र ने चिकित्साधीन अवस्थाने तांकर मरण हेइथिला ई घटना ने 4 जन के गिरफ्त करथिबार बेलके 90,000 टंका नगद आर 4टा मोबाइल आर 2टा बाइक जबत करथिले पुलिस माने से जिते लोक इनवल्व थे से घटना को किसी दिन पूर्व आसुले देखने टार्गेट आइडेंटिफाई करने ले आउट में भी आइडेंटिफाई करने से दिन से मैंने बाइक में आसिके टार्गेट को आइडेंटिफाई कले घटना को अंजाम देके से सीनापल्ली एरिया तापर कालाहांडी गोलगी होटल फर्दर से गोला को पड़ी गरीब लोक मैंने खाइबा मुठेक लगे जेंती भूके नहीं सुन से लगे सरकारी योजना चाउल देवार व्यवस्था करसन राज्य सरकार हेले इटार उल्टा चित्र देखवाके मिलूचे जेन बयस ने घरे बसिकिना योजना लाभ पाइबार कथा से बयस ने चाउल मुठेक पाइबा लगी 25 किलोमीटर चली चली आसुचन नुआपड़ा नु देखमा आमर ई रिपोर्ट चंपा बाई लोहार
बयस 70 वर्ष घर नुआपड़ा सदर ब्लॉक मोटा नुआपड़ा कुकरीमुंडी गाने हाते बेग खंडे धरी किना चली चली जाउछन आपन माने एबे भाबुथबे काई जाउछन ई बुढ़ी माँ भारीछन जिलापाल ऑफिस जिलापाल को भेटबे आर राशन सामान पाइबा लागि गुहारी करबे गला तीन दिन हैला निजर कार धरी किना 25 किलोमीटर चली सालेन तार पर जाइकिना पहुंचीछन जिलापाल ऑफिस किंतु एते हैरान परे भी जिलापाल को नै भेटि पाले तांको देखिकिना आम नुआपड़ा प्रतिनिधि एते बाट काई कामे आसी छ पछराले काण कहुचनी बुढ़ी माँ सुनुन टिके ई हे चल काजे करते आइ छेन पोता इटर काजे कंता हला जी हई इटर लागे आइली ने बुआ गो इटर लागे सोमवार ने घर नो बाहर ने ई चौल लागे असली ने पोते किछ दिन लागे केन देब हम के जीवी जी हमार गाना बुटी काई मांगी मांगी को रानी रानी कर खोते देखुन कार्ड रे तकर सो नहीं करबार कार्ड हिसाब से नहीं दिया हेबार अमर सेल्समैन बाबू जब भी मते फोन करले मुई सांगे सांग कहसी नहीं बुढ़ी माए दे दियो तकर तो पिला माने इयाड़े साइड हे जो जान जहाँ ले बड़ बाबू पाखे जदि जाई करी खई पारबा तो 5 केजी 10 केजी जहाँ सहयोग हेसी सेफ हिसाब से दिया हेसी सरकार डिंडी में पिटुचंती नारा दौंती एवं कहते 5 सरकार कहते सुंदर भाव में गाँ गाँ को घर मुहर घर द्वार पहुँच दिखाई लोक खाइ अन्न चित्कार करेंगे ना लोक मरवे ना एवं अन्न चित्कार हम ना तथापि तो जहाँ देखा वर्तमान पर्यंत गोटे 70 वर्ष वृद्धा चली चलिक आस जो दुख जुड़ापी घोर दुख निंदार विषय परितापर विषय भल भाव से इनक्वारी करवा कथा कार्डटा कटिगला केमी कटि जा लोक तो अच्छी ठीक से कार्ड भी ठीक अच्छी कि कार्ड कटिला केमी निश्चित भाव में कहीं रिलेटिव आसिक दरखास्त जोटा कि ट्रांसफर हो तेज जहाँ ये करतीशीघ्र मानने तदंत कर किए पाँच ताको विचार करी कार्ड को ये पुणे आउ थे ट्रांसफर करी चाउल देवार व्यवस्था कर गरीब लोक मानक सरकारी योजना करना चाउल देवार व्यवस्था कर राज्य सरकार हेले विभागीय अधिकारी अवहेला लगी योग्य हिताधिकारी मैंने चाउल मुठेक लगी संघर्ष करुछन आर तार बड़ उदाहरण ई बुढ़ी माँ सरकार बुढ़ा बुढ़ी आर भिन्नक्षम मान के बेसी गुरुत्व देकिना आग सरकारी योजनार सुविधा देवा लगी निर्देश देचन हेले काम पूरा उल्टा देखा के मिलुचे ताकर पक्के योजनार सुविधा नाई पहुंची पारवार लगी से माने निजे आसुचन योजनार पक्के एते परे भी से माने योजनार लाभ नहीं पाई पारबार ई सब देखला परे राय सरकार कर योजना केते सफल होचे तार उपरे प्रश्न उठुचे नुआपड़ानु युधिष्ठिर पटेल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज सीआईए बैठक ने काणा कहुचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसुन देखमा इतने सालों तक अटका ही इसलिए क्योंकि जो पहले सरकार में वो पॉलिटिकल रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हमने ना सिर्फ जीएसटी लागू किया बल्कि आज हम रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन होते देख रहे हैं ऐसे कितने ही उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं बता सकता हूं आज आपके सामने एक सरकार है जो हर बंदिश को दूर कर रही है हर बाउंड्री को पुश कर रही है आज एक सरकार है जो आपसे पूछ रही है कि भारतीय उद्योग जगत की ताकत बढ़ाने के लिए बताइए अब और क्या करना है साथियों हमारे पूर्वज कह गए हैं नैकम चक्रम परिभ्रमति यानी सिर्फ सिर्फ एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती सारे पहिए ठीक से चलने चाहिए इसलिए इंडस्ट्री को भी रिस्क लेने की अपनी नेचुरल टेंडेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए नए और मुश्किल रास्तों को चुनाव भी हमें करना ही होगा इन्वेस्टमेंट और रोजगार की गति को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री से भी देश की बहुत उम्मीदें हैं पब्लिक सेक्टर के फुटप्रिंट्स को रेशनलाइज और मिनिमाइज करने के लिए भी नई पीएसई पॉलिसी के जरिए निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं इसमें इंडस्ट्री की तरफ से ज्यादा उत्साह और ऊर्जा दिखनी चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम देश ने उठाया है इसमें स्कूल स्किल से लेकर
रिसर्च तक का एक नया इकोसिस्टम तैयार करने का भरपूर रोडमैप है। इसमें भी इंडस्ट्री की सक्रिय भूमिका बहुत जरूरी है, विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट को लेकर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए R&D पर हमारा इन्वेस्टमेंट हमें कई गुना बढ़ाना होगा और ये सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं है, इसमें इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भागीदारी की जरूरत है। हमारा लक्ष्य ब्रांड इंडिया को मजबूत करने का है, हमारा लक्ष्य देश को समृद्धि और सम्मान देने का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करना है। मैं आपकी हर समस्या के समाधान के लिए, आपके हर सुझाव के लिए हर वक्त उपलब्ध रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं फिर एक बार इस आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यकाल में आपको भी अनेक अमृत संकल्प करने के लिए प्रेरित करें और आप सब संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे आए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आगे भी खबर देखमा, एबे समय गोटे ब्रेक रहा। ब्रेक उतारू स्वागत। रास्ता काम ने दुर्नीति होइतिबार अभियोग अभियोग आनीछन जमनकिरा ब्लॉक टिकलापड़ा पंचायत तेलीपड़ार गाँ लुके। नुआ करिकिना रास्ता तैयारी होइतिबार बेलके अति तलिया रास्ता काम होइतिबार अभियोग होइछे। किछि दिन तले टिकलापड़ा पंचायत आड़ु तेलीपड़ा ने 100,000 टंका ने कंक्रीट रास्ता अति तलिया भावे बना होइतिबार अभियोग आनीछन सेनर लुक माने। विभागीय अधिकारी उपस्थिति ने काम होइतिबार अभियोग होइछे। रास्ता बनाबार काम रे पीसी कारबार हेबार संगे अभियोग आनीछन गाँ लुके। से सीमेंट तो मैंने मुई तो देखिकी बुली बुला कर सीमेंट तो मत कोणार्क नीले अल्टा आमर SCC लगभग कथा हाँ काम मैंने फलदरी कहजो कि मुझे क्या नुए कने मुई कण चाहे मोर रास्ता दरकार चाहे मुझे भर रास्ता हो बोल चाहे नीले उठे देखिए फिर नुआ रास्ता बनाबे कोणार्क हो कि डालमिया हो जेन्डा भी कि श्री साई सीमेंट लगे भल टे भल होता गाँ रास्ता निजे चलवार लगे आओ पंचायत आड़े जो आसीचे भल रास्ता हबार कथा भल मेटालिंग मुरुम बैल पड़ी हबार कथा खाली डस्ट पके देछन तार ऊपर कंक्रीट पके देछन। काइल थनु मैट्रिक खाता देखा मूल हेबा सब मूल्यांकन केन्द्र के खाता चेकिंग लगी पहुंची चारिछन टीम माने। चार दिन भितरे खाता देखा सर्वा संगे जल्दी रिजल्ट बाहरिबा बोली सूचना दीछन बोर्ड सभापति रामाशीष हजारा। सेन्ता 2021-22 शिक्षा वर्ष जुलाई नु मूल हेकिना एप्रिल रे सर्वा शिक्षा वर्ष रे रहबा दुईटा टर्म पहला टर्म जुलाई 21 नु आरंभ हेकिना नवंबर 2021 रे सर्वा सेन्ता दुई नंबर टर्म डिसेंबर 2021 नु अप्रैल 2022 तक रहबा। सबु टर्म ने 50% पाठ पढ़ाबा पहला परीक्षा नवंबर मासे हेबार बेलके फाइनाल परीक्षा सर्वा एप्रिल शेष आड़के। जदि महामारी आसला परीक्षार्थी निजर घरे रहिकिना परीक्षा देबे। आम इंट्रोड्यूस करछु इंटरनल आसेसमेंट जोटा कि आगु नथिला बोर्ड इतिहास रे ताहा नथिला। ए जो रिफॉर्म आम आणुछु दिस इज ए मेजर एग्जाम रिफॉर्म्स। फॉर्मेटिव आसेसमेंट 1-2 हबो प्रथम टर्म रे, फॉर्मेटिव आसेसमेंट 3-4 हबो सेकेंड टर्म रे। तापे मध्ये आम डेडलाइन करछु जो डेडलाइन करछु सेतरे कंप्लीट हबो कंडक्ट हबनी कारण इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज ठारु फॉर्मेटिव आसेसमेंट आरंभ हबो तार जो चारोटी डिविजन अछि ताकु आरंभ हबो कंप्लीट हबो केबे से डेट मध्ये आमे दे दैछु केबे हबो ना फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 जोटा टर्म 1 रे हबो ताहा सेकंड वीक ऑफ सेप्टेंबर रे सरीबो मार्क रेकॉर्ड हबो दुईटी जाको क्लास पे क्लास 9 पे क्लास 10 पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 सेकंड वीक ऑफ जनवरी, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 सेकंड वीक ऑफ मार्च। आउ प्रति फॉर्मेटिव असेसमेंट 20 मार्क रु हबो ता माने 1 मध्ये 20 2 मध्ये 20 3 मध्ये 20 4 मध्ये 20 मार्क रु
ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଟର୍ମରେ ରହିବ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡରେ ଆମର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଉ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଟର୍ମ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଖାଲି ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖିକିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ପୁରୀବାସୀ ଆଇବା ବାର ଆର୍ ତେର ତାରିଖନେ ଖାଲି ସେବାୟତଙ୍କର ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେନ୍ତା 16 ଓ 20 ତାରିଖ ତକ୍ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ପୁରୀର ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକିନା ଭିତରକେ ପଶ୍ବାର ବେଲ୍କେ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ବାହାରିବେ ଭକତ ସେନ୍ତା 7 ରୁ 7 ତକ୍ 3 ଫେଜ୍ନେ ହେବା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନ୍ବାକେ ଏସ୍ଓପିନେ ଲେଖାଯାଇଛେ ଶନିବାର ଆର୍ ରବିବାର ସାନିଟାଇଜ୍ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇବା 23 ସବକର୍ ଲାଗି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ସବକର୍ ଲାଗି 96 ଘଣ୍ଟା ଆଗ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନାହେଲେ ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାବା ଜରୁରୀ କହିଛନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଗ୍କେ ବି ଖବର ଦେଖମା ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ସ୍ୱାଗତ 4 ଓଡ଼ିଆ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଅମ୍ରିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ଡିଏସ୍ପି ଚାକିରି ସେନ୍ତା ଦିଏ ପ୍ରେସ୍ ଏକା ଆର୍ ନମିତା ଟପ୍ପଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଅଛି ମୋ ପାଖେ 41 ବର୍ଷର ପରେ ଆଜି ମିଳିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ଼ ରନିଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଜଏନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଆମେ କରୁ କେମିତି ଯିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯାଉ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକର ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମ ଟିମ୍ମେଟ୍ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ 10 ଜଣ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଥିଲେ 6 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଖେଳିସାରିଥିଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ତ କାହିଁ ନା କାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟିଭିରେ ଆଉ ଯେମିତି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ହାରିଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବଜିଥିଲା ଯଦି ଆମେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକି ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆସିବୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଯଦି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ବାକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଯେମିତିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଲୁ 1-0 ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ କି ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ହାରିଗଲୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହାରିବ ସୋ ଆମେ ହାରିକି ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେମିତିକି 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୁଛି ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଯିବା ଆମେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 12 ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଟୋକିଓରେ ଆମେ ସେଇଠି ସେମିଫାଇନାଲ ଆସିକି ଆମ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ସବୁ ଥିଲା ତାଠୁ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଟ୍ରେନର ଏଇସବୁ ମାନେ କାହାକୁ କେତେ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର କ'ଣ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ସନାଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ ଫେର ଖାକିନେ ଲାଗ୍ଲା ଦାଗ 10 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକେ ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳନୁ ମଦ ପିଇକିନା ନିଶା ଅବସ୍ଥାନେ ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ନାବାଳିକାକେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ ଘର ମାଲିକ ନାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଝିଅକେ ଛାତ୍ ଉପରକେ ନେଇକିନା ଯାଇଥିଲେ ଝିଅର ଆବାଜ ଶୁଣିକିନା ନାବାଳିକା ମା ଆସିଯିବାନୁ ଯବାନ ଝିଅକେ ଛାତ୍ ଉପରୁ ତଲ୍କେ ପକାଇ ଦେବାର ଧମକ ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଇ ନେଇକି ଘର ମାଲିକ ଟାଉନ୍ ଥାନାନେ ଲେଖିକିନା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକିନା ଯବାନକେ ଅଟକେଇକି ରଖିଛେ
କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆର୍ କୋଭାସିଲ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଡିସିଜିଆଇ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଆଡ଼ୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆର୍ କୋଭାସିଲ୍ଡକେ ମିଶାଲା ଡୋଜ୍ ଅତ୍କା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଇଥିଲା। ମିଶାଇକିନା ଡୋଜ୍ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ରହୁଛେ, ଶରୀରରେ ଅତ୍କା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଫିର୍ ବଢ଼ଉଛେ। ଇଟାକେ ନଜର ରଖିକିନା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆର୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍କେ ମିଶାବାର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଗି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସିଜିଆଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍। ଟିକା ନେବା ପରେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। WHO ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାର 15 ଦିନ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ସଂକ୍ରମଣ କୁହାଯାଉଛେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାନ ରହିଛେ, ହେଲେ ରାଇଟ୍ରେ ଦିନିକିଆ ସଂକ୍ରମଣକେ ନେଇକିନା ଡରବାର ନାହିଁ ନ। ଭାଇରସ୍ ଏବେ ଯେନ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବାକେ ଏବେ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ପଲ୍ର 10% ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ଲାଗି ପଠାବାକେ ଲ୍ୟାବ୍ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛେ। ଏବେକା 14 ଜିଲ୍ଲାରେ RT-PCR ଲ୍ୟାବ୍ କାମେ ଲାଗିଥିବାର ବେଳକେ ଅଲଗା 16 ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଚାଲିଛେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତକ୍ ସବୁ କାମେ ଲାଗିଯିବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛେ। ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍କେ ନେଇକିନା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍, ଇ ଫେଜ୍ରେ ଶିଶୁମାନେ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଡର ଅଛେ। କେନ୍ଦ୍ର 5% ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ କହୁଥିବାର ବେଳକେ 15% ଲାଗି ଆମର ରାଇଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ଶିଶୁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକଥା କହିଛି, ଆପଣ ଆକୁ 2020 ଗେମ୍ ଜମା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼ିବ କମିବ, ଇଏ ତ ହେବ, କେଉଁଠି ଛୁଟି ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କମିଲେ ତା'ର ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ତ ଚାଲିବ, ଲଗାତାର ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଜମା ପ୍ରତିଦିନ ତରଜମା କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫ ଆମର କମୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 50 ପାଖାପାଖି ଏବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲମ୍ବା ଟେଲ୍ ହେଇକି ରହିବ, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମ ଜୀବନ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ସାଇଟ୍କି ସବୁ ଆମର ଇଏ ଲାବୋରେଟରୀକୁ କୁହାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 10% ସାମ୍ପଲ୍ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍କୁ, ସେମାନେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଫେର୍ ରାଇଜ୍ରେ 65 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବକନୁ ଏତକା 20 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଛେ। ସେନ୍ତା ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଇଜ୍ରେ 1078 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍। ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ମାନଙ୍କର ଭିତରେ 624 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ 452 ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧାନୁ 372, କଟକ 147, ଜଗତସିଂହପୁର 58, ପୁରୀ 48, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 35 ଆର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ପୁରୁ 43 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍। ସେନ୍ତା ଏବେ ତକ୍ ରାଇଜ୍ରେ 990,075 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ 972,710 ଜଣ ଭଲ୍ ହେଲେନ। ରାଇଜ୍ରେ ଏବେ ବି 10,682 ମାମଲା ସକ୍ରିୟ ରହିଛେ। ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଛକ୍ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ଜଣ ରିକ୍ସା ଚଲାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣା ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପଲେଇଥିବାର ବେଳକେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଛକ୍ରେ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଅନ୍ୟ ଜଣକେ ବସେଇକିନା ଯାଉଥିବାର ବେଳକେ ପଛଆଡ଼ୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିଶା ଅବସ୍ଥାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସେନ ଲୁକ୍ମାନେ କହିଛନ୍। ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଜଣକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଆଡ଼େନିଗଡ଼ ପାଖେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ମଲା ଦେଇ ସୋନପୁର ବାଗମାରୀ ଗାଁକେ ଆଣୁଥିବାର ବେଳକେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକିନା ଗୋଟେ ଦୋକାନକେ ଧକ୍କା ଦେଇଛେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ କିଛି କ୍ଷତି ନେଇ ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆଗଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଆଣିକିନା ମଲା ଦେଇକି ଗାଁକେ ପଠାଯାଇଛେ। ଘଟଣା ଜାଗାରେ ଆଡ଼େନିଗଡ଼ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିକିନା ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ଇନ ରଖମା, ରହୁଛେ, ଜୁହାର।